दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप यदि कोई सॉफ्टवेयर खरीद कर लाते हैं, मान लीजिए कि उसकी सीडी वर्क नहीं कर रही है, सीडी में जो सॉफ्टवेयर आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो उस हार्डवेयर आईडी से उस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। यदि आपको ये पहले से ही पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब ऐसे किसी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना होता है तो सबसे पहला काम हमें उस हार्डवेयर की हार्डवेयर आईडी हमें जानना होता है। तो हार्डवेयर आईडी हम कैसे जान सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। वहां पर आपको वह हार्डवेयर दिखाई देगा। आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और वहां पर डिटेल्स पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टी में आपको हार्डवेयर आईडी सेलेक्ट करते ही नीचे वैल्यू में आपको हार्डवेयर आईडी दिखने लगेगी। आप उसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे वो हार्डवेयर आईडी पेस्ट कीजिए और उसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिख के डाउनलोड लिख लीजिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको बहुत से सॉफ्टवेयर मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई सवाल है हार्डवेयर आईडी को लेकर, या फिर आप कोई ऐसा हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में हार्डवेयर आईडी कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।